आंधी तूफान आने की वजह से ये गिर गया पूरा। ये सब मुझे उठाना पड़ेगा। इतनी अच्छी मेरी बॉन्डिंग जो हो रही थी ये पूरी गिर गई। होपफुली ये खड़ी हो जाए फिर से। देखो कैसे गिर गए इसके पूरे पत्ते। ऊपर ऊपर तक इसकी शूट्स हो गई थी। चलो ठीक तो हो गया, थोड़ा बहुत टूट भी गया। इसको दोबारा लगा सकते हैं हम कटिंग से। और ये देखिए इसकी रूट्स इसके नीचे से अंदर चली गई थी। हाँ अमेजिंग। ये देखो इसके नीचे से मैंने पुल आउट करके निकाला, इसके नीचे से फीड ले रही थी। वाह, तो इसी को कहते हैं नेचर। कहाँ लग जाए कैसे लग जाए नोबडी कैन फिगर आउट। चलिए ये कटिंग संभाल लेते हैं। यहाँ भी लग जाएंगी ये बेचारे, इनको संभालते हैं पहले। बैक टू नॉर्मल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बीन्स की जो बेल हैं ये अब आप लास्ट टाइम देख रहे हैं मेरे वीडियोस में, क्योंकि इसके बाद मैं इनको हटा दूंगी। आज फाइनल हार्वेस्ट है इनकी, सीज़न अब इनका ख़त्म ही हो रहा है। तो जो छोटी छोटी लगी हुई हैं कुछ वो पक रही हैं, और वो देखिए उस तरफ भी एक पक चुकी है, और बस अब भी ये ख़त्म ही होने वाली है। तो मैं इसमें से सारी हार्वेस्ट करके इसे हटाने वाली हूँ, और फिर मैं कुछ और लगाऊंगी इस ड्रम में। तो उसके लिए थोड़ा एक स्पेसिंग हो जाएगी, और थोड़ा सा कहते हैं ना कि मिट्टी को रेस्ट देना चाहिए। तो जब भी आप कोई नई चीज़ लगाने लगे उससे पहले अपनी मिट्टी को थोड़ा रेस्ट दीजिए, तो फिर वो काम भी हो जाएगा। तो ये देखिए बीच बीच में से निकल रही है, कुछ पक भी गई हैं। हालांकि मेरा इंटेंशन नहीं था सीड्स बचाने का, लेकिन फिर अब ये सीड्स अपने सेव करने लगा है, तो फिर ये अब नई शूट्स पे उतना ध्यान नहीं देगा प्लांट। तो ये देखिए जगह जगह यहाँ पे अब ये पक चुकी हैं फलियाँ, काफ़ी लंबी भी हो रही हैं। तो जो लंबी हैं यूज़ होने वाली कच्ची हैं वो हम सब्ज़ी बना लेंगे, और जो पक चुकी हैं उनके फिर मैं सीड्स को बचा लूँगी। तो ये देखिए अब फाइनली है, बस इसे निकाल देंगे। ये हार्वेस्ट काफ़ी हो रही है वैसे आज भी। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ये है हमारी हार्वेस्ट। उसके बाद हमारी कुछ भिंडी है, और उसके बाद एक जो हमारा कैंटालूप लगा हुआ है फाइनल सीज़न का वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं उसकी एक बची हुई जो बेल है वो भी निकाल दूँगी, तो वो भी हम आज हार्वेस्ट कर लेंगे। वो भी इस वीडियो में आगे आप लोगों से शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अब सितंबर आ गया है, मौसम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो हम अपनी गार्डन में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पे अब सब्जियाँ लग सकती हैं सर्दियों वाली काफ़ी सारी, और फिर सर्दियों में जो फूल लगते हैं वो भी सारे लग सकते हैं। कौन कौन से फूल आप सर्दियों में लगा सकते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, और सब्जियां कौन कौन सी लग सकती हैं सीज़न में अब मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और धीरे धीरे चेंजेस करने मैं भी शुरू कर रही हूं, तो आप मेरे साथ साथ अपने गार्डन में चेंजेस कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर अंदर अंदर तक अब ये कम हो गए हैं इसके पत्ते, तो अब दिखाई दे रही है अंदर अंदर तक बीन्स। आज की बीन्स हार्वेस्ट। इसके बाद ये है हमारी भिंडी, तो चलिए भिंडी भी उतार लेते हैं। ये आपने देखा एक दो पौधे इस तरफ लगे हैं, देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है ये तो, लेकिन ये अभी भी कच्ची है, सॉफ्ट है काफ़ी। ये देखो तो अभी ये इस तरफ वाली छोटी हैं, इसके ऊपर भी लगी हैं ये देखिए। तो चलिए ये हो गई आज की, और हम इसे तोड़ लेते हैं, ये फाइनल बचा है। ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये खुद ही छूट जाता है जब पक जाएगा, इसकी खुशबू अल्टीमेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज की हार्वेस्ट है छोटी सी, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप गार्डनिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय।